हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे दो ही सामग्री से बहुत अच्छी मिठाई। इसमें लड्डू बनेंगे और उसी से बनेंगे पेड़े। देखते हैं कैसा बनता है ये। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 कटोरी करीबन घी लिया है और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही ये गर्म होगा मैं इसमें 2 कटोरी छना हुआ बेसन डालूंगी, जिससे इसके सारे लम्स निकल चुके हों, और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। गुलाबी होते तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। देखिए धीरे धीरे इसका कलर बदल रहा है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसे मैं धीमी आंच पे दूसरे गैस पे रखकर दूसरी तरफ में मैं दूसरी कढ़ाई रख रही हूँ। इसमें हम बनाएंगे शक्कर का पूरा, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी भरकर शक्कर ली है और इसमें मैं केवल थोड़ा पानी, आधी कटोरी करीबन पानी डालूँगी और इसे हम चलाते रहेंगे। पहले धीरे धीरे चाशनी बनेंगी, फिर ये गाढ़ा होता रहेगा और गाढ़ा होते होते देखिए अपना ये कलर बदलते हुए और वापस से ड्राई फॉर्म पे आने लगेगा। ऐसे ही बनता है शक्कर का बूरा। अगर आप चाहें तो मार्केट में भी ये मिल जाता है, उससे हमारे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर चुकी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तो धीरे धीरे वापस से शक्कर की तरह बूरा बन जा रहा है। अब इसे मैं छान लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर बिल्कुल बारीक ना करें, दानेदार रखें। देखिए हमारा ये कलर बहुत अच्छा आ चुका है बेसन का भुनकर। अब इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो जायफल भी डाल सकते हैं। अब मैं 2 तरह की मिठाई बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें से आधा करूँगी। एक बाउल में मैंने 2 स्पून बेसन निकाल लिया है जो भुना हुआ है, और दूसरी कढ़ाई में मैंने देखिए ड्राई फ्रूट डाल दिए। आप जो चाहे वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैंने काजू बादाम डाला है। इसे और हल्का सा भुनेंगे जिससे ये थोड़े से अच्छे रोस्ट हो जाए। देखिए बाउल में मैंने पिसी शक्कर है, ये बूरा नहीं डाला है, पिसी शक्कर डाली है, जिससे कि मैं पेड़े बनाऊँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई के इसमें देखिए मैंने इसमें शक्कर का बूरा डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कितना मीठा चाहिए। देखिए पेड़े बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी चूड़ी ली है, आप चाहे रिंग ले सकते हैं, जो चाहे वो शेप में बना सकते हैं। ये छोटी सी चूड़ी है, नीचे काजू रखा, बादाम रखा है और ऊपर से एक बॉल बना के उसमें डाल दिया और धीरे से इसे निकाल लेंगे। जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही पेड़ा बहुत अच्छा कड़क और क्रिस्पी सा हो जाएगा। लड्डू के लिए देखिए मैंने इसको धीरे धीरे गोल किया है और जो शक्कर का बूरा हमारा था वो शक्कर के बूरे में इसको हम अच्छे से लपेट लेंगे, जिससे कि बिल्कुल मार्केट की तरह लगेगा, बिल्कुल हल्दीराम के लड्डू की तरह बनेगा। आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।